Hello everyone, welcome to my YouTube channel Reaction Mechanism. Today we'll be discuss about the term coordination compound and Warner's coordination theory. BSc second year unit second में आपका सबसे important जो term होता है वो हमारा क्या होता है, Warner's coordination theory. हर university exam में लगभग ये हर साल इसके बारे में कहीं कहीं से question बनते रहते हैं, तो इसको आप यहाँ पर समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए वार्नर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वार्नर्स ने कुछ थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, कुछ पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेस किया है, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं, रिवाइज कर देते हैं आपका, पिछली क्लासेस में आपके जो रहे होंगे प्रीवियस ईयर आप पढ़े होंगे 11th 12th में उसके बारे में, और PSC में भी होगा कुछ. तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं. दे आर दोज एडिशन कंपाउंड इन विच द इंडिविजुअल कंपोनेंट लूज देयर सेपरेट आइडेंटिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट. दे डू नॉट ब्रेकअप कंप्लीटली इंटू इंडिविजुअल आयन्स. मतलब वह एडिशन कंपाउंड होता है जिसमें कि कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर लॉस करता है जब उसको वाटर में या फिर किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर जाता है. वह पूरी तरीके से अब ब्रेकअप नहीं होता आयन में, मतलब टोटल पूरी तरीके से यहाँ पर आयन में वह हमारा नहीं होता. जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड. हम ले लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड. जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लेते हैं कि व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डिजॉल्व इन वाटर द सोल्यूशन डज नॉट गिव यूजुअल टेस्ट फॉर पोटेश. हमारा जो सोल्यूशन होगा डज नॉट गिव टेस्ट फॉर Fe2+ एंड Cn- वाइल इट गिव्स टेस्ट फॉर K+ एंड Fe Cn6-4- आयन्स. कहने का अर्थ है कि जब हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड को लिए, इसको जब पानी में वाटर में सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए, तो डिजॉल्व करने के बाद हमने इसका टेस्ट किया, तो टेस्ट करते टाइम हमको न तो Fe2+ मिला और ना ही Cn- मिला. मिला क्या हमको, ये इसने टेस्ट किसका दिया, इसने टेस्ट दिया K+ का और यहाँ पर फेरोसाइनाइड आयन का. इसका अर्थ है कि जबकि अगर यह हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न रहा होता तो इसको टूटना चाहिए था इंडिविजुअल आयन्स में, सबको टूट जाना चाहिए था. K+ को अलग होना चाहिए था, Fe आयन्स को अलग होना चाहिए था और साइनाइड आयन को अलग होना चाहिए था. लेकिन चूंकि यह हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें हमारा पूरी तरीके से वह इंडिविजुअल हर एक कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं होगा आयन्स में. बात समझ में आ गई. इसका अर्थ है यहाँ पर किस प्रकार से टूटा है, इस प्रकार से टूटा है, इसने टेस्ट दिया है K+ का और यहाँ पर Fe Cn6- का, ठीक है, आयन्स का, इन दोनों का टेस्ट दिया. इसका मतलब है कि ये हमारा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आई होप आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं. अगर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न रहा होता तो इंडिविजुअल सभी अपने आयन्स में टूटे होते. हम यूँ कह सकते हैं कि द मॉलिकुलर कंपाउंड्स इन विच द इंडिविजुअल कंपोनेंट lose their identity are called coordination compound, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पर complex compound. Coordination compound या फिर हम इसी को बोल सकते हैं complex compound. ठीक है, तो या तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कौन, जिसमें कि सभी हमारा नहीं टूटेगा, कोई इंडिविजुअल हमारा आइडेंटिटी लॉस करता है. आप इसके टर्म तो जानते ही होंगे, इसके जो टर्म्स यूज होते हैं, जो ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं. इसमें जो हमारा होता है, ये बीच में सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये लिगेंड्स होते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज है तो हम लोग कोऑर्डिनेशन यहाँ पर स्फीयर का चार्ज बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्या इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता, इंडिकेट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, Cn. ठीक है, और m क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, या फिर इसी को आप बोलते हो आयन्स. ठीक है, एटम या आयन्स. ठीक है, ये होगा. जैसे एग्जांपल समझते हैं, Cr(NH3)6 और यहाँ पर Cl3. ये क्या है, ये हम अभी समझे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर.
ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, या फिर इसी को हम आयन में इंडिकेट कर सकते हैं। और अमोनिया क्या हुआ यहाँ पर, अमोनिया हुआ यहाँ पर लिगेंड्स हुआ, ठीक है, लिगेंड्स होते हैं जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। और यहाँ सिक्स क्या हुआ, सिक्स हुआ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो Cl3 हुआ ये क्या हुआ, ये आयनाइजेशन स्फीयर हुआ, इसको क्या बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आई होप कि कोऑर्डिनेशन आपका रिवाइज हो गया होगा, समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन का पार्ट किस कहते हैं। अब हम बात कर ले हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अल्फ्रेड वार्नर गेव अ थ्योरी विच इज नोन एज वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अल्फ्रेड वार्नर ने क्या किया था, अल्फ्रेड वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स को उसके स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी समझने के लिए कुछ थ्योरी दिए हैं, उसको हम बोलते हैं वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। उसके क्या पॉस्टुलेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देयर इज इम्पॉर्टेंस पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरीज इज एज फॉलो। यहाँ पर कुछ हम उसके थ्योरी के बारे में बात करते हैं। पहला इनका जो पॉस्टुलेट्स था उन्होंने क्या कहा था कि द मेटल एटम एग्जिबिट, जो मेटल एटम होता है वो एग्जिबिट करता है टू टाइप ऑफ बैलेंसी। जो मेटल एटम होता है वो क्या करता है, टू टाइप ऑफ बैलेंसी एग्जिबिट करता है। पहला बैलेंसी क्या है इसका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी बैलेंसी। और इसी का नाम दूसरा हम लेते हैं क्या, प्रिंसिपल, या आप इसी को बोल सकते हैं आयोनाइजेबल बैलेंसी, ठीक है। इससे आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि प्राइमरी बैलेंसी किसे कहेंगे, तो ये वर्ड से आयोनाइजेबल बैलेंसी। दूसरा है बी सेकेंडरी बैलेंसी, या फिर इसी को बोला जाता है ऑक्सिलरी, या इसी को बोला जाता है नॉन आयोनाइजेबल। अब आप यहां से आइडिया ले सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो नॉन आयोनाइजेबल होने वाला है, ठीक है, बैलेंसी। तो ये हमारा पहला पॉस्टुलेट्स हुआ। पहले पॉस्टुलेट्स में क्या बोला इन्होंने, जो मेटल एटम होता है वो टू टाइप के हमारा पर यहाँ पर बैलेंसी रखता है, कौन कौन, प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। दूसरा पॉस्टुलेट्स इन्होंने क्या कहा है कि ईच मेटल्स हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी। हर एक जो सेंट्रल मेटल एटम होता होगा उसका क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी होगा। दैट इज इट हैज फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर से, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर रखता हुआ होगा, मतलब ईच मेटल हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी बैलेंसी। तीसरा इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी बैलेंसी है वो सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन के द्वारा, और जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो सेटिस्फाई होता है किसके द्वारा, नेगेटिव ग्रुप के द्वारा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा। क्या कहा इन्होंने कि द प्राइमरी बैलेंसीज आर सेटिस्फाइज बाय नेगेटिव आयंस, वेयर एज सेकेंडरी बैलेंसी किसके द्वारा, इज सेटिस्फाई बाई निगेटिव ग्रुप या आर न्यूट्रल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है, मॉडर्न स्टडी में ये शो किया गया है कि द सेकेंडरी वैलेंसी में आल्सो सेटिस्फाई द पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि इन सर्टन केसेस नेगेटिव ग्रुप में भी सेटिस्फाई बोथ द टाइप ऑफ बैलेंसी, मतलब नेगेटिव ग्रुप दोनों बैलेंसी के द्वारा सेटिस्फाई होगी, प्राइमरी की और सेकेंडरी के, ठीक है। यहाँ पर हम इस बात को समझ लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि दो प्राइमरी बैलेंसी है वो करिस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ये भी याद रखेंगे कि प्राइमरी बैलेंसी इज करिस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो करिस्पॉन्डिंग करेगा किसको, वो करेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर को, किसके, सेंट्रल एटम को, ठीक है। यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई। चौथा इनका पॉस्टुलेट्स क्या है, द सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टूवर्ड द फिक्स्ड
पोजीशन इन स्पेस, क्या कहा इन्होंने कि द सेकेंडरी बैलेंसी आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, पोजीशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल, अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन्स, ठीक है, एंड दस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसको समझ लीजिए अच्छे से, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स किसके होगा, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ एक हमारा फिक्स डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा, जिसके वजह से जो कि अलग अलग प्रकार के आइसोमर बनाएगा। अगर हम ऐसे समझें कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अगर मतलब जो लिगेंड की संख्या है वो क्या हो, 6 हो, ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी की संख्या कितनी है, 6 है। इससे ये पता चलता है कि वो क्या बनाएगा, वो हमारा बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। बात को समझिएगा कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखा है तो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड मेटल आयन इज ऑक्टाहेड्रल, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पर 4 है, ठीक है, कह रहा है कि इफ कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देन द इट इज इन स्क्वायर प्लेनर, या तो वह स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर वो हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। बात को यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये मेटल है, ये लिगेंड है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, एन कोई चार्ज है, तो इसका जो लिगेंड्स है उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, उस लिगेंड का अरेंजमेंट उस मेटल के चारों तरफ कैसा होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्टाहेड्रल टाइप का होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल टाइप का, ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, यहाँ पर माइनस, ठीक है, चार्ज। अगर उसमें 4 वाले हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4, अगर यहाँ पर माइनस है या प्लस है कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो अरेंजमेंट होगा, कह रहा है या तो वह स्क्वायर होगा, क्या होगा वह, या तो वह स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या फिर वह हमारा क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता है। तो बात समझ में आ गई, नहीं, ये हमारा अरेंजमेंट को लेकर बात हो रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये पासुलेट से मुकुल मिला, नेक्स्ट पासुलेट क्या कहता है, नेक्स्ट पासुलेट जो फिफ्थ पासुलेट से वो कहता है कि द नेट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, द नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज द सम ऑफ अलजेब्रिक, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन या चार्ज बॉर्न बाई सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए मेटल है, ये लिगेंड्स है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और इसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, ये प्लस हो या फिर माइनस हो, तो कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल ऊपर के जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो अलजेब्रिक सम होगा, मतलब ये चार्ज किसके बराबर होगा, वो अलजेब्रिक सम होगा चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स, चार्ज ऑन लिगेंड्स इनके बराबर होगा। अच्छा, इसी से हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं मेटल का, ठीक है, ये इनका पांचवा पासुलेट था। सिक्स जो पासुलेट्स है, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है इनका, ठीक है, ऑफ द मेटल आर रिप्रेजेंटेड बाई सॉलिड लाइन, जो हम प्राइमरी वैलेंसी होगा उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉलिड लाइन से, एंड सेकेंडरी वैलेंसी बाय डॉटेड लाइन, ठीक है, हम सेकेंडरी वैलेंसी की, अच्छा, कुछ जगहों पे आप देखेंगे वो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को यहाँ पर सॉलिड लाइन से, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चीज़ों को समझ लेंगे, अब वो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप चाहे प्राइमरी को डॉटेड से करिए चाहे सेकेंडरी को, ठीक है, अलग अलग बुक में आपको इस प्रकार से मिल सकते हैं, तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझ लेते हैं, जैसे COCl3.6NH3
अब इसमें कौन प्राइमरी वैलेंसी है और कौन सेकेंडरी वैलेंसी है उसको समझने के लिए इन्होंने कहा कि जो हम मान लेते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट करने का इन्होंने कहा कि जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। जैसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है, NH3, 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 ठीक है, और सॉलिड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सॉलिड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइमरी को। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे आराम से बता सकते हैं सेकेंडरी कौन हुआ और प्राइमरी कौन हुआ, आप आराम से देख के बता सकते हैं कि सेकेंडरी कौन हुआ प्राइमरी कौन हुआ। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा। जैसे COCl3.5NH3.H2O, अब यहाँ पर मैं इसका बना रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा NH3, 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 और ये हमने लिखा हमारे पांच है ना, 5NH3, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ H2O, इसको मैं H2O लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फाइव थे तो यहाँ पर Cl, Cl और Cl। अब आप यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कौन है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, क्लियर हुआ। अब आते हैं बात करते हैं कि अप्लीकेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी, जिससे कि पता चले कि हम कैसे कॉन्डेशन कंपाउंड को लिखते हैं या फिर कैसे हम उसको समझेंगे कि क्या हुआ था कि हमको कॉन्डेशन कंपाउंड को पता करने के लिए कि कैसा वो होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लीकेशन ऑफ वार्नर्स थ्योरी। तो वार्नर्स ने क्या किया था कि वार्नर्स प्रिपेयर्ड द कोबाल्ट थर्ड एमाइन कॉम्प्लेक्स बाय ट्रीटिंग एक्वस कोबाल्ट थर्ड सेकेंड क्लोराइड सोल्यूशन विथ अमोनिया एंड देन ऑक्सीडाइज बाय एयर, देर आर सम कंपाउंड्स वेरी आइसोलेटेड। पहली बार वार्नर ने क्या किया था, वार्नर ने कोबाल्ट थर्ड एमाइन का कॉम्प्लेक्स बनाया था, थर्ड मतलब थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है कोबाल्ट यहाँ पर, ठीक है। कैसे बनाया था उन्होंने, एक्वस कोबाल्ट क्लोराइड लिया था जिसमें हमारा COCl2 लिया था, ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सोल्यूशन विथ अमोनिया, उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया और फिर उसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कंपाउंड मिले, उसको इन्होंने इसका हम लोग अप्लीकेशन में लेकर चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं ल्यूटो, ठीक है, हमारा क्या है ल्यूटो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, COCl3.6NH3, ये मान लो कि ये हमारा क्या है क्रिस्टल है, ठीक है, जो कि ऑरेंज येलो टाइप का क्रिस्टल है, ठीक है, ये हमारा ऑरेंज येलो टाइप क्रिस्टल है। इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या मिली, अब इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे क्या क्या इन्होंने पता लगाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस जो सोल्यूशन था COCl3.6NH3 का, उसका रिएक्शन कराया विथ AgNO3, इन्होंने AgNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराया, इन्होंने देखा कि आल द क्लोरीन आर प्रेसिपिटेटेड, सभी के सभी हमारे क्या क्या हैं प्रेसिपिटेशन में बदल जाए, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड हो गए, ठीक है, एच कैसे प्रेसिपिटेट होता है, AgCl के फॉर्म में, ठीक है, AgCl फॉर्म फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन था उससे हमारा पूरा का पूरा Cl निकल के हमारा क्या बना AgCl बन गया, जिससे ये पता चलता है विच इंडिकेट, जिससे इनको इन्होंने इंडिकेट किया क्या किया, विच इंडिकेट द क्लोरीन इज बॉन्डेड विथ कोबाल्ट इज प्योरली आयनिक, जो कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है वो क्या था, आयनिक रहा, या यूं कह सकते हैं, ठीक है, कि क्लोरीन इज प्योरली आयनिक था, ठीक है, इंडिकेट दे कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड था, और साथ ही साथ यहां पर हो सकता है ये हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन इज आयोनाइजेबल, क्लोरीन क्या था आयोनाइजेबल, और आपने पहला पास्टुलेट देखा था कि जो आयोनाइजेबल हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, जो नॉन आयोनाइजेबल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन क्या है आयोनाइजेबल। सेकेंड इन्होंने फिर क्या किया कि इसका रिएक्शन कराया, इसी सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया, ठीक है, COCl3.6NH3 का, किसके साथ HCl के साथ, किसके साथ HCl के साथ, देन अमोनिया इज नॉट रिमूव, अमोनिया रिमूव्ड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विच इंडिकेट दैट ऑल द
अमोनिया, सिक्स जितने भी थे हमारे कितने थे, सिक्स थे, ऑल द सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर नॉन आयोनाइजेबल, जो कि आयोनाइजेबल नहीं है, दैट इज अनआयोनाइजेबल, ठीक है, कि जो आयोनाइजेबल नहीं है। और अनआयोनाइजेबल क्या है, आपने पहले पासवर्ड में देखा था, ठीक है, दो प्रकार की वैलेंसी में, ठीक है। इससे इन्होंने क्या निकाला, दस इट फॉलो दैट सिक्स एन एस थ्री, जो छः अमोनिया मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल्स आर, अब जो आयनाइजेबल नहीं हो रहा है, मतलब टूट नहीं रहा है, उसी में रह रहा है, मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब है सिक्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होगा, अंदर होगा, वाइल थ्री, तीन मॉलिक्यूल थे तो थ्री सी एल आयंस आर आउटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा। जैसे अब हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाएगा, लिखा जाएगा सी ओ एन एस थ्री, अमोनिया अंदर रहेगा, कितने हैं, सिक्स मॉलिक्यूल हैं, सिक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या लिखा जाएगा, सी एल, कितने थे, थ्री, तो ये हमारा कंपाउंड बना। बात समझ में आई, ये एप्लीकेशन था इनका पहला। दूसरा इसी प्रकार से, अब इसका अर्थ क्या हुआ, अगर तुम्हें ये समझना हो कि ये कैसे टूटा होगा तो ऐसे समझ सकते हो, सी ओ एन एस थ्री ए सी सी एल थ्री, ये अनाइजेबल होगा इस प्रकार से, दो प्रकार के टर्म में, सी ओ एन एस थ्री सिक्स थ्री प्लस और प्लस थ्री सी एल माइनस, ऐसे टूटा होगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए सिक्स है तो ऑक्टोहेड्रल तो बनना ही बनने हैं इसको, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉटेड से सेकेंडरी वैलेंसी को, और ठीक है, तो यहाँ पर एन एस थ्री 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 एन एस थ्री, ठीक है, और सॉलिड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं क्लोरीन को, ठीक है, इस प्रकार का यह इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गएगा। नेक्स्ट और एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं एक दो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमें लेते हैं यहाँ पर, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, जिसका फार्मूला है सी ओ सी एल थ्री डॉट फाइव एन एस थ्री डॉट एस टू ओ, ये हमारा पिंक कलर का हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, इसके बारे में। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसका सेम एकदम वही प्रोसेस किएंगे। सबसे पहले इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ, ए जी एन ओ थ्री के साथ, ठीक है। जब इन्होंने ए जी एन ओ थ्री के साथ रिएक्शन कराया तो देखा इन्होंने कि जो आल द क्लोरीन, जितने भी क्लोरीन थे, आल द क्लोरीन फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ टाइप ए जी सी एल, सबके सब ए जी सी एल बना लिया। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि दिस इंडिकेट द क्लोरीन, जो क्लोरीन है, ठीक है, वह क्या है, आयोनाइजेबल है, और आयोनाइजेबल मतलब किस प्रकार की वैलेंसी कहलाएगा, कि आयोनाइजेबल हमारा वैलेंसी हुआ, ठीक है, तो आयोनाइजेबल वैलेंसी हुआ, ठीक है। और अब दूसरा टर्म ये बोल सकते हैं कि उनके बीच में कैसा हुआ, आयनिक हो, प्योर आयनिक हमारा, किसके बीच में, कोबाल्ट और क्लोरीन के। और दूसरा जब इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ, वही सेम चीज़ करेंगे एस सी एल के साथ। तो एस सी एल के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो वही फिर से मिला क्या, अमोनिया इज नॉट रिमूव्ड, जिससे क्या पता चला, विच शोविंग, जो कि यह बताता है कि 5NH3 मॉलिक्यूल्स आर अनआयोनाइजेबल, वो हमारा आयोनाइजेबल नहीं है, मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, ठीक है। और तीसरा ये देखा गया कि जो वाटर होंगे, वाटर हैं, वाटर इज फॉर्मली हेल्ड इन कंपाउंड, वो कंपाउंड में हेल्ड था, एंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो क्या था, हेल्ड था, लेकिन बट एट 100 डिग्री सेल्सियस आर एबव, जब इसके ऊपर कर दिए तब क्या होगा, इट लॉस्ट हो गया, वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, इसका मतलब है उससे नीचे तक क्या, वो कॉम्प्लेक्स में हेल्ड था। जिससे इन्होंने क्या निकाला, निष्कर्ष कि ये रहा होगा कि जो कि क्लोरीन, जो हमारा अमोनिया था और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, कि वन वाटर मॉलिक्यूल एंड फाइव अमोनिया मॉलिक्यूल आर, ये दोनों हेल्ड रहे होंगे, ठीक है, आर इन इनर कोऑर्डिनेशन, इसको कैसे दिखाएंगे, इन इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या होगा, अंदर होगा, व्हाइल
जबकि थ्री क्लोरीन आर वो क्या होंगे आउटर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। ठीक है, तो इससे इन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष कि ये क्या बनता है, ये क्या हो सकता हो एप्लीकेशन। इन्होंने इसका क्या देखा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उसमें क्या आ जाएगा NH3 5 और H2O आ जाएगा, ये दोनों क्या है लिगेंड्स हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। तो ये भी लिगेंड्स हैं, ये भी लिगेंड्स हैं, आपको समझ में आ गई होगा यहाँ तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जैसे हम इसका आयनाइजेशन करते हैं तो क्या हुआ होगा, ये किस प्रकार से हमारा, अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो पूरी तरीके से तो आयनाइज होगा नहीं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि ये किस प्रकार से आयनाइज हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि CONH3 5 H2O प्लस Cl माइनस, अब यहां पर 3 माइनस हो गया तो यहां पर हमारा 3 प्लस हो गया, इसको बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां पर। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं CO 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम NH3 यहाँ पर H2O ले लिए, ठीक है, और NH3, और सॉलिड से हमने प्राइमरी को दिखा दिया Cl, Cl और Cl, इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट हुआ। कुछ और हैं जैसे कि COCl3.4NH3, ठीक है, और COCl3.3NH3, सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार से करेंगे AgNO3 के साथ और HCl के साथ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया होगा वार्नर्स थ्योरी और वार्नर्स के यहाँ पर पास्टुलेट्स और उनके कुछ अप्लीकेशंस। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आपको BSc से रिलेटेड आपके पूरे चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाएंगे, आप जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक यू। और साथ ही साथ ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका जो रिटेन हैंड्स नोट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लेकर अच्छे से नोट बना लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।